अभी फाइनल नंबर बताना मुश्किल है थोड़ा सा, लगातार जो भी वहाँ पर बर्न इंजरी उनको जाने दीजिए, 8 के आसपास अभी तक जो नंबर हैं उसमें से लोग निकाले गए हैं यहाँ, 8 से 10 हैं, 8 से 10 लोग यहाँ से निकले हैं जिनकी हालत तो गंभीर है या उसमें डेथ भी हैं, वो केसेज अभी मेडिकल कॉलेज गए हुए हैं, हम लोग यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट डेथ कितने हैं, एक्चुअल जो इंजर्ड हैं वो सीरियस इंजरी है या नॉर्मल इंजरी है वो एक बार थोड़ी देर में भी असर्टेन होगा। अभी जस्ट हम लोगों का पहला जो इमीडिएट फोकस था कि सारी बॉडीज़ जो फायर अफेक्टेड एरिया है या सारे लोग जो फायर अफेक्टेड एरियाज़ में हैं वो बाहर आएँ, तो अभी सब हो गया है, एक फाइनल कॉम्बिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम वहाँ फ्लैट्स पर है, वो बाकी हम लोग भी जस्ट यहीं थे, इसके बाद यहाँ से भी मेडिकल कॉलेज अभी बताना मुश्किल है यहाँ जैसा लोग बता रहे हैं कि शायद कोई पूजा वगैरह हो रही थी उसकी वजह से, लेकिन अगेन वो अभी कुछ उसके बारे में कहना मुश्किल है। तो एक 8 के आसपास जैसा, अब अगेन वही जो बॉडीज अभी जा रही हैं तो एक्चुअली वो कैजुअल्टी है, सीरियस है, वो भी बताना इस केओस में थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ी देर में आपको सर्टेन करके कि जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, कई बार रहता है कि निकलने का टाइम लगता है कि मे बी कैजुअल्टी हो, लेकिन बाद में रहता है कि नहीं वो जिंदा हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बताना भी थोड़ा मुश्किल है। अगेन दोनों सेम चीज़ है, अब अगेन ये तो अभी इमीडिएट में बताना मुश्किल है, एक बार हाँ अभी फायर वहाँ स्प्रेड होने का उस तरह का इशू नहीं है, आग से अब फर्दर कोई वहाँ पर उसके बढ़ने का या फैलने का खतरा नहीं है, तो आग पर अभी काबू है, एक बार हम लोग फाइनल कॉम्बिंग कर रहे हैं जिन फ्लैट्स में या जिन जगहों पर आग लगी है कि कोई और तो उसमें ट्रैप्ड नहीं है या कोई और तो उसमें फंसे नहीं हैं, इमीडिएट अभी हम लोग एक बार जो लोग इंजर्ड या जिनका अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है तो एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है एक बार हम SSP साहब हम लोग भी हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, नहीं अभी कोई वहाँ नहीं है, पूरी कॉम्बिंग जी देखिए, आगजनी की घटना जो रिपोर्ट हुई थी उसमें फायर टेंडर्स और पुलिस और प्रशासन मिलकर के हम लोगों ने अभी रेस्क्यू का काम चल ही रहा है, BCCL के भी रेस्क्यू टीम का हम लोगों ने मदद लिया है, और अभी एम्बुलेंस आने दीजिए प्लीज, एम्बुलेंस आने दीजिए, अभी रेस्क्यू की कार्रवाई चली रही है, कई लोगों को क्योंकि बगल में हॉस्पिटल था उसमें हम लोगों ने भर्ती कराया है, हमारे जवानों और हमारे अफसर ने भी जाकर के कई लोगों को रेस्क्यू किया है, अभी हम लोग जब फाइनल कॉम्बिंग हो जाएगी, एक एक फ्लोर वाइज हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, फाइनल जब हम लोग उसका कॉम्बिंग करके सबका प्रॉपर रेस्क्यू कर लेंगे तब आपको हम एग्जैक्ट फिगर दे पाएंगे। आप चूँकि पूरा फ्लोर में निरीक्षण किए हैं, क्या लग रहा है कारणों का क्या? नहीं अभी तो जो है वो आग ही है, आग क्योंकि कई लोग जो जिनका डेथ हुआ है वो साफ लग रहा था वो झुलस के मरे हैं, तो अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी जो लोगों को अभी हम लोग भेजे हैं उसके अलावा हम लोग आपको एग्जैक्ट फिगर तब बताएंगे जब रेस्क्यू पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा तभी बता पाएंगे, लेकिन 10 से ज़्यादा है इंजर्ड को भी हम लोगों के बगल हॉस्पिटल था, इसमें हम लोगों ने कई लोगों को भेजा है, एग्जैक्ट नंबर्स अभी अब जस्ट अभी हम निकल के एक बार फिर हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, फ्लोर वाइज कॉम्बिंग कर रहे हैं, फिर हम बता पाएंगे। फ्लोर तो बेसिकली 2 फ्लोर है जो मैक्सिमम उससे उसके जद में आया था, बाकी अन फ्लोर के लोग भी क्योंकि नीचे उतरने के क्रम में कुछ सीढ़ी में गिर गए हैं उस क्रम में भी कई लोग आग के जद में आए हैं, तो अभी हम लोग प्रॉपरली एक बार फ्लोर वाइज कॉम्बिंग करके आपको हम एग्जैक्ट फिगर बताएंगे।